हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद संदीप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वो वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये हमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम परम है, जो भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद है क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप लोगों को पता होगा सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है आईएसपी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आईएसपी की फुल फॉर्म, आईएसपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। अगला है LAN, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है WWW, ये आपने बहुत लोगों ने सुना होगा WWW, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है चयनित टेक्स्ट को कट करने का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A के द्वारा, तो हम उसे कैसे काटेंगे? तो उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं Ctrl+X। किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको चारों बता दिए, आप लिख सकते हैं। अगला है असेंबली भाषा के प्रयोग को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? तो इसके लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अगला है रैम संचित करता है किस चीजों को? तो प्रोग्राम एवं डाटा को रैम संचित करता है। अगला है रोम का मतलब क्या है, या रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला है कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? तो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो कंप्यूटर का पितामह है चार्ल्स बैबेज। अगला है डेस्कटॉप पब्लिक हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम के लिए लिया जाता है? तो इसके लिए लेजर प्रिंटर को लिया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स के लिए कौन सा प्रिंटर यूज होता है? तो इसके लिए सिंपल प्रिंटर यूज होता है। अगर आप हमारे वीडियो पे न्यू थे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो सच्ची पसंद आई है। थैंक यू, बाय बाय।